डॉल्फी का मल्टीपोर टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर है। अब इसको कैसे ओपन करना है, कैसे यूज करना है, ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को बॉक्स में से निकाल दीजिए। ये हमने बॉक्स में निकाल दिया, यहाँ पर एक बैग भी है, बैग भी सीधे निकाल दिया। अभी आप इस प्रोडक्ट में देखोगे तो अंदर की साइड एक ऐसी बैग दी गई है, इसमें इसके अंदर स्क्रू और की वगैरह दिया गया हुआ है। तो हम सबसे पहले की निकाल देंगे, क्योंकि इस की की मदद से हम ये पेपर डिस्पेंसर को ओपन कर सकते हैं। इस की को यहाँ पर हम डाल के ओपन कर देना है। उसके बाद की को निकाल के ये वाला जो लॉक बटन है उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे, ओके, प्रेस करके ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी इस पेपर डिस्पेंसर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर दो होल दिए हुए हैं, जो कि इस होल के जरिए हम स्क्रू वगैरह दीवार पे रख के कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दीवार के ऊपर इसको रख देना है और मार्कर पेंच है, मार्कर पेंच है हमें यहाँ पर जहाँ पर भी जैसे लगाना है, जितनी हाइट से जहाँ पर वहाँ पर रख के मार्कर पेंच है टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्कर पेन से दो टिक मार्क कर दिए। अभी इस टिक मार्क में हम क्या करेंगे, सच्ची ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पर दो स्क्रू लगवा दिए, ओके, ये वाला स्क्रू है, ये ड्रिल मशीन हम लगा लेके यहाँ पर हम स्क्रू डालेंगे, ओके। एक स्क्रू डाल दिया, ओके, स्क्रू ड्रिलिंग मशीन के मदद से हमने दो स्क्रू लगवा दिए। अब क्या करना है, जस्ट ये जो पेपर डिस्पेंसर है यहाँ पर हमको ऐसे अंदर डाल के हैंगिंग कर देना है, ओके, सिंपल सा हमको हैंगिंग कर देना है। अगर हमको वो एकदम से टाइट करना है तो स्क्रू को हम फिर से टाइट भी कर सकते हैं ड्रिलिंग मशीन की मदद से। अब क्या है, पेपर डिस्पेंसर हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके अंदर ये मल्टीपल टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर है, तो इसके अंदर हम एम फोल या जेड फोल टाइप के पेपर, जो इस टाइप के पेपर रहते हैं, जो हम देखते हैं ये टाइप के पेपर रहते हैं, जो एम फोल और जेड फोल पेपर रहता है वही यूज होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको ओपन करेंगे, ओके। अभी एम फोल और जेड फोल का जो पेपर डिस्पेंसर का बंच है उसको हम ऐसे रख देना है। इसे रखने के बाद नीचे की तरफ से कोई एक ही पेपर को खींच के बाहर निकालना है, ओके। हमने यहाँ पर एक पेपर को खींच के बाहर निकाल लिया, ओके। अभी हम जैसे कि एक पेपर को बाहर निकालेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली, एक हमने बंद कर दिया, एक बाहर निकालेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली निकलेगा, एक बाहर निकालेंगे दूसरा ऑटोमेटिक। जो एम फोर और जेड फोर में ऐसा सिस्टम होता है, ओके, थैंक यू।